नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। पिथौरागढ़ में पोलिंग पार्टियों की रवानगी के दौरान वीवीपैट व ईवीएम को सावधानीपूर्वक हैंडल न करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने मध्य स्तर जौलडुंगा के पीठासीन अधिकारी व सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा यातायात व्यवस्था में तैनात एफजीआई अधिकारी को वाहन बदलने का दोषी पाए जाने पर तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रतिकूल पुष्टि जारी की। साथ ही जौलडुंगा पोलिंग बूथ के पीठासीन अधिकारी को बदलकर उनके स्थान पर दूसरे पीठासीन अधिकारी को भेजा गया। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन आज बीते दिवस से अधिक संक्रमित मिले हैं। शुक्रवार को पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 35 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जिले में 35 नए संक्रमित मिले हैं, जिनमें 29 आरटीपीसीआर, 5 एंटीजन व 1 ट्रूनेट में पॉजिटिव पाए गए। 7 कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में 145 केस एक्टिव हैं। पिथौरागढ़ विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी मयूख मेहर का जनसंपर्क जारी है। शुक्रवार को कुमौड़ में कांग्रेस प्रत्याशी मयूख मेहर ने चुनावी सभा को संबोधित कर कांग्रेस को वोट करने की अपील की। शुक्रवार को ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नगर के बाजारों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनसंपर्क कर कांग्रेस प्रत्याशी मयूख मेहर के पक्ष में मतदान करने की अपील मतदाताओं से की गई। भाजपा प्रत्याशी चंद्रा पंत ने पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगर सहित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के नगर सहित विभिन्न गांवों का भ्रमण कर भाजपा प्रत्याशी चंद्रा पंत के पक्ष में वोट करने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी चंद्रा पंत द्वारा विधानसभा के विभिन्न गाँव में सभा को संबोधित भी किया गया। डीडीहाट विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी बिशन सिंह चुफाल का प्रचार जनसंपर्क जारी है। शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी ने कार्यकर्ताओं के साथ डीडीहाट नगर सहित विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी बिशन सिंह चुफाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की। डीडीहाट विधानसभा में शुक्रवार को धारचूला विधायक हरीश धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप पाल के पक्ष में मतदान करने को लेकर जनसंपर्क किया और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील मतदाताओं से की। इस दौरान डीडीहाट, चौबाटी, मिर्थी, जौरासी, ओगला, अजेड़ा सहित विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप पाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।